नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑसी एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कि आपको कौन सा व्रत सप्ताह में रखना चाहिए और व्रत रखने के हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। हिंदू धर्म में व्रत या उपवास रखने की सदा से धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा चली आ रही है। सप्ताह में हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है। हर दिन के उपवास करने के कई फ़ायदे होते हैं और उपवास भी अलग अलग तरीक़ों से रखे जाते हैं। व्रत रखने से मानसिक शारीरिक और भौतिक सुख हमें मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं सोमवार व्रत के फ़ायदे। इस दिन का व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है, भोले बाबा को समर्पित है। शिव व्रत की पूजा हमेशा गणेश जी की पूजा से शुरू करनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं डायरेक्ट शिव जी की पूजा कर लेते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कोई भी पूजा बिना गणपति जी के पूजा से ही शुरू करनी चाहिए। बिना गणपति जी को पूजे बिना नहीं करनी चाहिए। भगवान गणेश का आशीर्वाद लेकर उनके माता पिता शिव पार्वती जी की आप पूजा करें। इसके फ़ायदे क्या हैं? सोमवार व्रत से सभी इच्छाओं की मनोकामनाओं की पूर्ति संभव होती है। अक्सर सोमवार व्रत युवा या अविवाहित लड़कियां रखती हैं ताकि उन्हें एक अच्छा वर मिल सके, जिससे उन्हें भगवान शिव सम्मान दे, उत्तम वर दे। परंतु सोमवार व्रत कोई भी व्यक्ति रख सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्रियाँ रख सकती हैं, जेंट्स भी रख सकते हैं। सोमवार व्रत रखने के तीन प्रकार होते हैं, सोमवार व्रत, 16 सोमवार और प्रदोष व्रत। सोमवार व्रत की बेहतर सफलता के लिए इसे सावन महीने से आप शुरू करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में है कि आपको सोमवार व्रत शुरू करना है, तो आप सावन के सोमवार से आप उठा लीजिए। सोमवार व्रत के दिन अधिकाधिक ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस दिन सफ़ेद या नीले वस्त्र धारण करें। मंगलवार व्रत के फ़ायदे। यह संभवतः सबसे ज़्यादा रखे जाने वाले व्रत हैं और जेंट्स लोग मंगलवार का व्रत बहुत ज़्यादा करते हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि मंगलवार व्रत महावीर हनुमान जी को समर्पित होता है। भगवान श्री राम के परम भक्त हैं हनुमान जी। मंगलवार व्रत के नियम कड़े माने जाते हैं। व्रत के क्या फ़ायदे हैं? सामान्यतः पुरुषों द्वारा रखे जाने वाला ये व्रत जीवन में सफलता, आत्मविश्वास, शक्ति, रोग मुक्ति, कर्ज से मुक्ति का निरंतर फल देता रहता है। अनेकों दुखों से हमें दूर रखता है। ज्योतिष के अनुसार मंगलवार व्रत से मंगल और शनि ग्रह के बुरे असर जो हमारे जीवन पे चल रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मंगलवार व्रत को संभव हो तो लाल वस्त्र पहने, नमक ना खाएं, मीठा भोजन या फल खाएं। हनुमान जी को चंदन का तिलक लगाएं, लाल फूल अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और राम राम का कम से कम 108 बार जाप जरूर करें। बुधवार व्रत के फ़ायदे। बुधवार का दिन भगवान गणेश, बुध ग्रह और भगवान विष्णु अवतार को समर्पित होता है। विष्णु अवतार कौन थे? विठुलनाथ जी। कोई भी नया कोई काम करने जा रहे हैं या पढ़ाई लिखाई संवाद से संबंधित गतिविधि शुरू करने के लिए ये उत्तम दिन माना गया है। बुधवार के दिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की पूजा आराधना होती है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? बुधवार व्रत से जीवन में सामंजस्य आता है। वैवाहिक जोड़ा साथ में अगर ये व्रत रखे तो आनंदमय वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत के दिन हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इस दिन बुध व्रत कथा का पाठ करें और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। इस व्रत के प्रभाव से सभी पारिवारिक झगड़ों और जीवन के क्लेश और कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुरुवार व्रत के फ़ायदे। इस दिन भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, सरस्वती माता, बृहस्पति ग्रह की पूजा होती है। अब फ़ायदे इसके क्या हैं? ये व्रत रखने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख और मानसिक शांति मिलती है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो उन्हें ये व्रत ज़रूर रखना चाहिए। किसी भी महीने में शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह को पीले फूल, पीला प्रसाद और चंदन लगाएं। व्रत रखने वालों को चाहिए कि वो बृहस्पति व्रत कथा का पाठ करें, पीली वस्तु का दान करें और बिना नमक का भोजन करें। शुक्रवार व्रत के फ़ायदे। ये व्रत माँ दुर्गा, माँ वैभव लक्ष्मी, माँ महालक्ष्मी जी,
शुक्र ग्रह को समर्पित होता है। इस दिन सफ़ेद या नीले वस्त्र पहने 16 शुक्रवार व्रत की पूर्णता के दिन 7 अथवा 11 लड़कियों का कन्या पूजन करें, भोजन कराएं और उपहार दें। माँ दुर्गा आपका कल्याण करती हैं। इस व्रत को रखने से घर में धन धान की बढ़ोतरी होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब शुक्रवार व्रत के क्या फ़ायदे हैं। कुंडली में कमजोर शुक्र ग्रह होने पर ये व्रत बहुत ज़रूरी है रखना। 16 शुक्रवार व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने पर मनोकामना की तुरंत पूर्ति होती है, सौभाग्य शारीरिक मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। शनिवार व्रत के फायदे। इस व्रत के दिन काली वस्तु जैसे काला कपड़ा, काला चना, उर्द की दाल, काला तिल का दान करें। लोहे के बर्तन में एक सिक्का डालकर फिर सरसों का तेल डालें। तेल में अपनी परछाई देकर इसे दान कर दें। शनिवार व्रत के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें और पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दिया जला दें। अब इसके फायदे क्या होते हैं। शनि ग्रह के बुरे असर से प्रभावित लोग ये व्रत जरूर रखें। इस दिन भगवान श्री हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि के दुष्प्रभाव खत्म होते चले जाते हैं। शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं पहुँचाते। शनिवार व्रत रखने वाले दिन को दिन भर में एक बार भोजन करना चाहिए। शाम को पूजा के बाद भोजन करें। कोशिश करें कि कोई भोज्य पदार्थ काले रंग का हो, जैसे काला तेल, यानी आपको कोई ना कोई एक चीज़ काली खानी है व्रत में, काला तेल हुआ, काला चना हो या सरसों आदि। इस दिन नीला वस्त्र पहने, काला नहीं। शनिवार व्रत से धन समस्या का समाधान, इंजीनियरिंग, फैक्ट्री, व्यवसाय में सफलता, कर्ज और रोग से मुक्ति मिलती है। अब जानते हैं रविवार व्रत के फायदे। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है, क्योंकि रविवार दिन किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन सुबह जल्दी स्नान करके तांबे के एक पात्र में जल लेकर उसमें रोली डाल लीजिए, चंदन थोड़ा सा मिलाकर पूर्व दिशा में सूर्य के समक्ष खड़े होकर उनको जल अर्पित कीजिए। 7 बार आपको जल अर्पित करना है और क्या बोला है, ओम घृणी सूर्याय नमः। जल अर्पण करते समय कम से कम 3 बार आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। खट्टा तेलिए तला भुना ना खाएं, बल्कि मीठा भोजन करें। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहने। अब रविवार व्रत करने के क्या फ़ायदे होते हैं। भगवान सूर्य व्यक्ति की इच्छा पूरी करते हैं, शत्रु पर विजय दिलाते हैं। सूर्यदेव से समाज में ऊंचे सम्मानित स्तर पर पहुंचते हैं, प्रसिद्धि मिलती है। इस व्रत से व्यक्ति का आभामंडल शुद्ध होता है और अगर कोई रोग या स्किन समस्या हो तो वो भी दूर होती चली जाती है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया कि किस दिन कौन सा व्रत करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है और इससे हमारे जीवन में क्या असर पड़ता है, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।